जिला बिलासपुर में दुराचार की शिकार हुई एक नाबालिगा से पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई कथित मारपीट को लेकर गुरु रविदास सभा व अन्य सहयोगी सभाएं उग्र हो गई हैं। नाबालिगा के साथ हुई मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर गुरु रविदास सभा के बैनर तले अन्य सभाओं ने चंपा पार्क बिलासपुर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन पर अपने कर्मियों को बचाने के आरोप लगाए। गुरु रविदास सभा बैरी रजानिया के प्रधान तुलसीदास बंसल ने कहा कि इस मामले को सभा द्वारा उठाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने हरकत में आकर दुराचार करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया था, लेकिन इस मामले में पीड़िता के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो सभा दलित समाज के साथ मिलकर प्रदेश सरकार के विरुद्ध उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगी। इसके बाद सभा के बैनर तले विभिन्न दलित संगठनों ने चंपा पार्क से लेकर डीसी कार्यालय तक रोष रैली निकाली और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल व डीजीपी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि करीब 2 महीना 10 दिन पहले दलित समाज से संबंधित एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुराचार हुआ था। इस मामले में जांच अधिकारी द्वारा पीड़िता को 3 दिन तक देर रात 2:30 से 3 बजे तक कार्रवाई के नाम पर कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और पुलिस कर्मियों द्वारा पीड़िता के साथ कथित तौर पर मारपीट भी की गई। वहीं इससे पहले थाना स्वारघाट में भी पीड़िता के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पीड़िता की माता द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को एसपी बिलासपुर को की जा चुकी है, लेकिन आज दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा न तो जांच अधिकारी को बदला गया और न ही मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही की गई, जिसको लेकर वे मांग करते हैं कि पीड़िता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित किया जाए और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। मेरा नाम तुलसीदास बंसल, प्रधान गुरु रविदास सभा बैरी सादियां। प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी कि कोठीपुरा के पास एक दलित और नाबालिग बच्ची को बहला फुसला करके उसी के गांव का एक आदमी पिछले 17 या 7 सितंबर को वहां से लेके गया रात को 9-10 बजे और रास्ते में उसने उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद कोठीपुरा में ट्रक के हवाले कर दिया। ट्रक वाले ने भी गैंगरेप किया और उसने उसकी और ट्रक के हवाले कर दिया और रात स्वारघाट थाना के नज़दीक जब वो सुबह पहुँचे तो वहाँ उसने बच्ची को उतार दिया, जहाँ पुलिस कर्मियों ने उसे वहाँ थाना ले गए और थाना में महिला पुलिस कर्मचारी ने उसके साथ मारपीट की गई। लेकिन साथियों, उसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाया गया कुछ गाँव के कुछ लोगों पर। जब गुरु रविदास सभा के संज्ञान में मुद्दा आया तो हमने ये बात एसपी साहब को बताई और एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद एसपी और एडिशनल एसपी ने तत्पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को पुलिस की गिरफ्त में लिया, जो आज सलाखों के पीछे हैं। इसलिए हम पुलिस की कार्यप्रणाली की जो है सराहना भी करते हैं, लेकिन साथियों, उसके बावजूद हमने मांग की थी एसपी से कि महिला थाना में जिन महिला पुलिस कर्मचारियों ने उस बेटी को, नाबालिग बेटी को, दलित बेटी को और गैंग पीड़िता को मारा है और स्वारघाट में मारा है और देर रात 3 और 3:30 बजे तक कंटिन्यू 3 दिन प्रताड़ित किया है, उन पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए। जब तक उन वो सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक हम धरने प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये भी स्टेट लेवल का धरना है और इसके बाद जो है हम प्रदेश स्तरीय भी धरने शुरू करेंगे। हम इसलिए कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए हम देश के जनता को, प्रदेश की जनता को नहीं, हम पदाधिकारियों को, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, गुरु रविदास सभाओं से जुड़े लोग हैं, कबीरदास सभाओं से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को हम बुला रहे हैं, अम्बेडकर समितियों से जुड़े लोग हैं या दूसरे और साथी अलग विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग हैं, उनके जिम्मेवार साथियों को हमने आज यहाँ बुलाया है कि आप लोग देखें हमारे बिलासपुर में पुलिस प्रशासन का क्या हाल है और बीजेपी सरकार, प्रदेश सरकार का क्या हाल है। दलितों के ऊपर जो जुर्म जास्ती हो रही है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस को जो है खुलेआम छोड़ा गया है, जो पुलिस की गुंडागर्दी है, हम इसकी निंदा करते हैं। हम इसके खिलाफ में आज यहाँ हम एकत्रित हुए। PLTV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।